हेलो एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स यस फ्रेंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट आर द रिफॉर्म्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन फाइनेंशियल सेक्टर इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन अ वेरी इजी वे एज यू नो दैट सिंपलिसिटी इज अवर मेन मोटो तो फ्रेंड्स हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो नाइनटीन में पास की गई थी उसमें वॉट वर द डिफरेंट रिफॉर्म्स टेकन इन अवर इकोनॉमी, जिसको हमने कैटेगराइज किया टू पार्ट्स में हमने वन साइड देखा कि ऑन डिमांड साइड हमने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के मेज़र्स लिए क्योंकि जो जो हमारे रीज़न्स थे कि जैसे हमने देखा फाइनेंशियल क्राइसिस जो हमारे इकोनॉमी में थे और उसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर इतना बढ़ गया था तो हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए ताकि इन्फ्लेशन जो था वो बाय 95, 96 इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 8 परसेंट तो हमने वो डिस्कस किया फिर हमने देखा कि देर वॉज़ फिजिकल क्राइसिस क्योंकि एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट रेवेन्यू के बीच में वाइडन गैप था तो उसको हमने फिजकल करेक्शन से ठीक कर दिया हमने सब्सिडीज़ को कम कर दिया हमने थोड़े अलाउंस को कम किया हमने एक्सपर्ट का पैनल बैठा के हमने कुछ अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स को कम किया तो हमने कुछ रेमडियल स्टेप्स लेके कुछ फिजिकल करेक्शन लेने की कोशिश की और बी जो हमारे क्राइसिस थे यानी हमारी इकोनॉमी में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो कम हो रहे थे तो उसके लिए हमने क्या स्टेप लिया फर्स्ट वन हमने देखा कि हमारी इकनॉमी में रुपी वैल्यू को डी वैल्यू किया गया डी दूसरा लर्म्स में जिसमें हमने देखा कि जितने भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी पर्सनस हैं फर्म्स हैं बिजनेस हाउसेस हैं कंपलसरी उनका फोर्टी परसेंट जो है फॉरेन करेंसी वो ऑफिशियल अथॉरिटीज़ को सरेंडर करना है उन्हें सरेंडर करना तो लर्म्स हमने जो है वो नेक्स्ट स्टेप फॉलो किया जिसमें फोटी परसेंट फॉरेन एक्सचेंज को एनी हो ऑफिशियल रेट पे सरेंडर करना है एंड द रेस्ट सिक्सटी परसेंट जो है वो आप मार्केट में जो भी एक्सचेंज रेट डिसाइड हुआ है उस पर आप सेल कर सकते हो यानी ड्यूअल एक्सचेंज रेट वॉज डिसाइडेड बाय लर्म्स अथॉरिटी थर्ड आपने देखा कि मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो था वो डिसाइड किया गया यानी देयर वाज अ डेलीबरेट स्टेप्स वर टेकन बाय आरबीआई टू इंटरवेन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट व्हेन इट वाज फील्ड कि देयर इज नेसेसरी टू इंटरवेन इन द मार्केट सो दैट अवर फाइनेंशियल क्राइसिस शुड बी ओवरकम फिर हमने देखा सप्लाई साइड मैनेजमेंट जिसमें हमने देखा बहुत से स्टेप्स जो हैं वो हमने लिए जिसमें हमने देखा किस तरह से इंडस्ट्रियल जो सिस्टम है इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज जो हैं उन्होंने अपने बहुत सारे जहाँ जहाँ उनको ड्रॉबैक्स लगा उन्होंने उस सिस्टम्स को उन एक्ट्स को बदला तो पहले इंडस्ट्रियल एक्ट में हमने रिफ़ॉर्म देखा फिर पब्लिक सेक्टर एंड डिसइन्वेस्टमेंट को भी हमने डिस्कस किया और थर्ड लेवल जो हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हमारी इकनॉमी में कि पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो धीरे धीरे उन्होंने रिड्यूस किया जो इंडस्ट्रीज़ रिजर्वड उन्होंने पब्लिक सेक्टर के लिए रखा था उन्होंने विथ द हेल्प ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट किया और जिसकी वजह से ट्रेड और उनके फ्लो में काफ़ी चेंजेस और बदलाव आए तो कैपिटल फ्लो में भी उन्होंने मूवमेंट जो था उनमें चेंज किया जिसकी वजह से इट वाज अलाउड यानि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया गया तो इस तरह से कुछ चेंजेस हमने थ्री पार्ट्स के चेंजेस तो हमने डिस्कस कर ही लिए थे लेकिन आज हम डिटेल में देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स किए गए न जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर की तो फाइनेंशियल सेक्टर में थ्री पार्ट्स आते हैं जिसमें बैंकिंग सेक्टर रहता है इंश्योरेंस सेक्टर रहता है और उसके साथ साथ हम देखते हैं आपका कैपिटल मार्केट भी आता है तो थ्री पार्ट्स थ्री कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के नंबर वन आपने क्या कहा बैंकिंग सेक्टर नंबर टू इंश्योरेंस सेक्टर और नंबर थ्री उसके साथ साथ कैपिटल मार्केट इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो हमारे फाइनेंशियल मेजर्स लिए गए वो इन्हीं थ्री पार्ट से हम लोगों ने लिए अच्छा अभी हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वन दैट इज बैंकिंग सेक्टर्स में क्या रिफॉर्म्स थ्रू द पॉलिसी ऑफ 1991 वर टेकन तो क्या बदलाव व्हाट रिफॉर्म्स व्हाट चेंजेस वर ब्रॉड थ्रू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991? तो उन्होंने फर्स्ट फर्स्ट स्टेप ये लिया कि उन्होंने रिड्यूस कर दिया कैश रिजर्व रेशियो कैश रिजर्व रेशो अगर हम कम करेंगे रिड्यूस करेंगे यानी बैंकिंग सेक्टर्स आर हैविंग इनफ मनी टू इंक्रीज़ द वॉल्यूम ऑफ मनी इन द क्रेडिट यानी क्रिएटिंग द क्रेडिट फैसिलिटीज़ का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा अगर सी को हम कम कर देते हैं तो पहला पहला स्टेप ये किया कि उन्होंने सी को रिड्यूस किया अगर हम बात करें नाइनटीन तो सी आर आर वॉस फिफ्टीन परसेंट फिफ्टीन परसेंट किया गया अगर हम बात करें जून टू थाउजेंड थर्टीन तो सी आर आर को रिड्यूस करते करते उन्होंने फिफ्टीन परसेंट से कहाँ पहुँचाया फ्रेंड्स फोर पॉइंट फाइव परसेंट और उसके बाद और रिड्यूस करके अप टू तो मार्च या अप्रैल 2018 में हमने देखा कि सी को हमने कितने परसेंटेज तक पहुंचाया 4 परसेंट और एट प्रेजेंट अगर हम बात करें 2021 की भी तो हमारा एट प्रेजेंट भी सिया जो परसेंटेज है इट इज़ फोर परसेंट तो अगर हम सिया रेशो को कम रहेंगे रखेंगे तो दैट मीन्स द क्रेडिट क्रिएटिंग फैसिलिटीज ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक इट विल बी इंक्रीज इट विल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ करेंसी इन द सर्कुलेशन तो सर्कुलेशन बढ़ेगा वेलोसिटी ऑफ मनी बढ़ेगा तो इससे क्या होगा मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स और फास्टर रहेंगे लेट सेटिस्फाई द मोर एंड मोर नीड्स ऑफ आवर इकोनॉमी तो पहला उन्होंने सी कैश रिजर्व रेशियो को कम किया सेकेंड स्टेप उन्होंने किया रिड्यूस द स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो यानी एस अब हमें पता है कि हर कमर्शियल बैंक जो है दे हैव टू कीप अ मैंडेटरी डिपॉजिट्स वो हमेशा करेंसी नोट्स में गोल्ड में सिक्योरिटीज़ में हमेशा रखते हैं तो वो स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो जो है वो भी अभी आर ने उनके लिए रिड्यूस कर दिया अब जब हम बात करेंगे कि जब हमारी इकोनॉमी में स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो जो है वो रिड्यूस करते अप्रैल 2018 में इट वॉज परसेंट वो 19.5 परसेंट तक रिड्यूस कर दिया और अगर हम एट प्रेजेंट भी बात करें तो स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो एट प्रेजेंट इट इज़ 18 परसेंट यानी इसमें वो अपने पास डिपॉजिट्स कम रखते हैं और जब वो स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो जो मैंडिटरी है अगर वो डिपॉज़िट्स कम हो जाएंगे यानी रेस्ट जो उनके पास फंड्स है जैसे अभी 18 परसेंट अगर उन्होंने साइड कर दिया फ्रेंड्स okay अभी 18% परसेंट साइड हो गया यानी रेस्ट 82% परसेंट जो उनके पास वॉल्यूम ऑफ मनी है दे कैन इशू एज अ क्रेडिट वो उसमें से लोन उसमें से कुछ फंडिंग वहाँ से रिसोर्स को वो डाइवर्ट कर सकते हैं यानी फिर से वॉल्यूम ऑफ करेंसी जो है या मोमेंट या मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिस है इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग तो स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो को भी उन्होंने कम कर दिया थर्ड स्टेप जो है वो उन्होंने फॉलो किया जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो उन्होंने फॉलो किया इन द बैंकिंग सेक्टर दैट इज़ द डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्रेंड्स हमने ये जो है वो मनी मार्केट में भी डिस्कस किया था कि किस तरह से डी रेगुलेशन ऑफ़ इंटरेस्ट रेट जो है वो आर ने अलाउ किया क्योंकि हमने देखा कि हमारे इस मनी मार्केट में डाइकोटॉमी देयर यानी वन साइड ऑर्गेनाइज्ड मार्केट और अदर साइड अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है ना ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में तो इंटरेस्ट रेट जो है वो हमेशा एज पर द रेगुलेशन ऑफ आर चलते हैं लेकिन उसके साथ साथ जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है दे वर अलाउ टू फॉलो देयर ओन इंटरेस्ट रेट लेकिन आफ्टर 1991 के बाद आरबीआई ने अपने ऑर्गेनाइज्ड मार्केट को भी फ्री कर दिया कि एज़ पर द कॉम्पिटिशन लेवल ऑफ मार्केट इफ़ दे फॉलो इट कि अगर वो अपना इंटरेस्ट रेट फॉलो करना चाहते हैं प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो दे कैन डू इट तो ये डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट भी लिबरलाइज किया गया यानी ऑर्गेनाइज मार्केट को भी फ्रीडम दिया गया कि दे कैन ईजीली फॉलो द डिफरेंट इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट बट इट शुड बी इन द रीज़नेबल लिमिट्स में होना चाहिए ताकि कहीं से भी ऐसा नहीं लगे कि देयर इज टू मच डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज मार्केट देन नेक्स्ट फोर्थ जो स्टेप उठाया गया बैंकिंग सेक्टर में देट इज़ प्रोडेंशियल नॉम्स जब हम कहते हैं प्रोडेंशियल नॉर्म्स यानी एक सिस्टमेटिक उनके सामने रूल्स एंड रेगुलेशन का सेट जो था वो उनको बना के दिया गया रेस्पेक्ट टू इनकम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ असिट्स यानी जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहेंगे दे हैव टू रजिस्टर्ड दैम सेल्फ विद द आर उन्हें आर के साथ स्पेशली रजिस्टर करना और ख़ास करके अनऑर्गेनाइज सेक्टर उनकी क्लासिफिकेशन कैसे हैं किस तरह से वो क्रेडिट दे रहे हैं हाउ मच असेट्स दे आर हैविंग तो दे आर कैपिटल एडिक्वेसी रेशो याद है हमने पढ़ा था तो वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जो है वो भी उन्हें क्लियरली बताना है तो इस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आरबीआई ने अपने एफ़र्ट्स डाले कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जिनको वैसे तो कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं रहता है लेकिन फिर भी इफ़ दे विल रजिस्टर्ड वो अगर रजिस्टर करते हैं तो दे विल कम टू नो कि उनकी असेट्स किस तरह से हैं उनके वॉल्यूम क्या हैं या इट विल हेल्प देम टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी एंड इम्प्रूव देयर इफिशेंसी तो उनकी इफ़िशेंसी भी बढ़ेगी नेक्स्ट जो स्पेशली फिर बैंकिंग सेक्टर में लिया गया दैट इज़ कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स और ये क्यों फॉलो किया गया टू रिड्यूस द रिस्क क्योंकि बैड लोन्स जो था वो बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा इशू क्राइसिस हम बैंकिंग सेक्टर के चैप्टर में डिस्कस कर चुके कि बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था जो हमने देखा कि अप्रैल 2018 तक नियरली 10.25 लाख करोड़ का जो था वो बैड लोन था तो ये बैड लोन जो था वो उस लोन को सेटिस्फाई करने के लिए बैंकिंग सेक्टर के पास कैपिटल एडिक्वेसी रेशो नहीं था कि इट विल ट्राई टू वर्क हुम दैट वन तो इसके लिए अभी जो सिस्टम है अभी उसमें थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन किया गया यानी हमारे इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ने क्या किया बैंकिंग सेक्टर्स को इंस्ट्रक्शन दिया कि दे हैव टू मेंटेन द कैपिटल एडिक्वेसी रेशो सो दैट अगर कोई बैड लोन का प्रॉब्लम होता है तो इट कैन बी एडजस्टेड उनको हैवी लॉसेस सफर नहीं करना पड़े यानी अगर कोई भी बिजनेसमैन भी आता है कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो को लेटरल सिक्योरिटीज पे ही उनको यानी टेंजिबल असेट्स पे ही उनको लोन सेंक्शन करके देना है तो ये चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी था इट वॉज़ वेरी नेसेसरी टू ब्रिंग द चेंजेस इन द बैंकिंग सेक्टर अथॉरिटी उसमें ये बदलाव लाना बहुत ज़रूरी था नेक्स्ट जो सिक्स बन लिया गया दैट इज एसेस टू द कैपिटल मार्केट अब हमारे बैंकिंग सेक्टर में ये भी बदलाव लाया गया कि वर कनेक्टेड टू द कैपिटल मार्केट दे वर आल्सो अलाउड टू तो इन्वेस्ट इन द प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट उनको उनसे कनेक्ट किया गया उनके लिए जो भी उनको फैसिलिटीज या इंसेंटिवज हैं उनको प्रोवाइड किए गए तो इस तरह का असिस जो है इस तरह की फैसिलिटीज जो है वो बैंकिंग सेक्टर को दिया गया और आजकल आपको मालूम है कि इफ द बैंक अगर उनको भी सपोज न्यू ब्रांच स्टार्ट करनी है दे वॉन्टेड टू रेज द कैपिटल अगर वो भी कैपिटल रेज करना चाहते हैं आई थ्रू प्राइमरी या सेकेंडरी तो दे कैन डू इट तो उनको कनेक्ट किया गया यानी दे विल आल्सो गिवन द फैसिलिटीज ऑफ कैपिटल मार्केट उनको भी कैपिटल मार्केट का जो फैसिलिटीज है वो उनको प्रोवाइड किया गया नेक्स्ट है न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स नाउ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में आर ने ये भी एफर्ट्स किया कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स नहीं रहेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व होगा यानी पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ विल गो हैंड इन हैंड दोनों साथ साथ एफिशेंटली काम करेंगे कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे यानी उन्होंने कोशिश किया कि जिस जिस एरिया में बैंकिंग फैसिलिटीज बढ़ानी हैं, वहाँ प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जाएगा वो अपनी ब्रांचेस खोलेंगी ताकि हर एरिया को हम बैंकिंग सेक्टर की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें तो ये भी एक ओपन फ्रीडम जो था वो दिया गया और इससे पता है क्या होगा एक और एडवांटेजेस भी मिलेगा यानी हमारी इकनॉमी में हेल्दी कंपटीशन रहेगा क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ साथ ना प्राइवेट सेक्टर बैंक प्लस फॉरेन की बैंक्स वो भी मार्केट में उनको ओपनली उनको फ्रीडम दिया गया लिबरलाइज एक एटमोसफियर दिया गया ताकि इकनॉमी में जो कॉम्पटिशन है वो बढ़े और उसके साथ साथ जो कंज्यूमर्स की सेटिस्फैक्शन है वो भी बढ़े तो ये दिया गया न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी अपॉर्चुनिटी दी गई कि देश आल्सो एंटर इन द मार्केट नेक्स्ट है एट जो स्टेप लिया गया इन बैंकिंग सेक्टर कि फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन यानी दे कैन ओपन दियर ब्रांचेज इन एनी चाहे वो इंडिया में या अक्रॉस द वर्ल्ड यानी अगर आप चाहो कि आप अपनी न्यू ब्रांचेस इंडिया में खोलना चाहते हो तो भी यू आर अलाउड आपको फुल फ्रीडम है अगर आप अपनी ब्रांचेस फॉरेन कंट्री में ओपन करना चाहते हो दैन टू इट इज़ अलाउड यानी दे वर गिवन अ लिबरलाइज्ड एटमोसफियर तो इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए की वजह से हमारे बैंकिंग सेक्टर को एक वाइडर स्कोप मिला एक न्यू इनोवेटिव मार्केट का अप्रोच मिला यानी दे गॉट द अपॉर्चुनिटी कि वो अपने बिज़नेस को और ज़्यादा एक्सपांड कर सकते हैं और उसकी वजह से जो भी न्यू न्यू मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका भी एसिस जो है वो अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं तो ये आजकल जो बैंक्स हैं स्पेशली बैंकिंग सेक्टर जो कस्टमर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है और प्लस नॉट ओनली कस्टमर बट उसके साथ साथ जो बिजनेस फर्म्स हैं उनके लिए मैक्सिमम फंड्स विथ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आपकी बोरिंग कॉस्ट को कम कर देते हैं तो ये सब फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमेशा पहुंचाने की कोशिश करते हैं इसके लिए उन्होंने बहुत सारी ब्रांचेस रूरल एरियाज़ में भी ओपन की ताकि रूरल एरियाज़ को भी ये बेटर फैसिलिटीज़ मिले जो एरियाज अभी तक अनटैप्ड थी उनको उन्हों भी उन्होंने टच किया ताकि वो एरिया भी कवर हो यानी जैसे स्मॉल फार्मर्स हो उनको कवर करना है या जो बहुत सारे आर्टिजनस हैं उन्हें भी अगर छोटी छोटी स्मॉल उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है उन्हें भी देना है या माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें अगर क्रेडिट फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है तो उन्हें सपोर्ट करना या एक्सपोर्टर्स जो स्पेशली हैं क्योंकि फॉरेन रिजर्व्स बढ़ाने थे तो जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक्जम बैंक की तरफ से मदद मिलना तो ये सब एफर्ट्स जो था उन्होंने थ्रू द फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन के थ्रू प्रोवाइड किया ओके okay, फ्रेंड्स नेक्स्ट उन्होंने किया स्पेशल रिकवरी ट्रिब्यूनल अगर हम स्पेशल रिकवरी ट्रिब्यूनल्स देखते हैं तो इसका कनेक्शन किसके साथ था हमने देखा था उनको रिस्क कम करनी थी क्योंकि बैड डेप्ट बहुत हो रहे थे और जब बैड डेप्स हो रहे हैं बैड लोन्स क्रिएट हो रहे हैं तो उनको रिकवर करने के लिए लीगल्स असिस्टेंट लीगल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक बैंक को एक लीगल सपोर्ट नहीं मिलेगा एक बैकबोन नहीं होगा तब तक वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे और ये एफर्ट्स जो हैं वो हमारे इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने लिया उन्होंने क्या किया स्पेशल रिकवरी ट्रिब्यूनल जो हैं उनको सेटअप कर दिए अब ये जितने भी हैं वो उनको क्या करेंगे उनको फास्ट एंड स्पीडी एंड क्विकली रिकवर करने में उनको हेल्प करेंगे कि कोई भी बिजनेसमैन है जो डिफ़ॉल्टर है जहाँ पे भी बैड लोन क्रिएट हुआ है इमीडिएटली दे विल टेक द रेमेडियल स्टेप उनकी प्रॉपर्टी को सील करेंगे उनको ऑक्शन के थ्रू सेल करेंगे और उसमें से जो फंडिंग आएगी वो उनके बैड लोन्स को मोस्टली रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे तो ये सब सपोर्ट जो है वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने बैंकिंग सेक्टर को बहुत अच्छी तरह से प्रोवाइड किया तो ये सब स्टेप्स लिए गए बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इसमें ज़्यादातर ये रिफॉर्म्स आए अच्छा बैंकिंग सेक्टर्स के साथ साथ जो इंश्योरेंस सेक्टर हम बात करते हैं तो ये थर्ड पार्ट में चेंजेस जो हैं वो भी लिए गए अच्छा इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे बड़ा जो बदलाव आया वो ये कि इंश्योरेंस सेक्टर्स में पहले पब्लिक सेक्टर वाज प्लेइंग अ वेरी इम्पोर्टेंट वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे लेकिन न्यू इकनॉमिक पॉलिसीज़ के बाद जो हमारे पॉलिसी रेमेडियल रिफॉर्म्स थे उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया टू कम इन द इंश्योरेंस सेक्टर और फॉरेन सेक्टर्स को भी अलाउ किया टू इंजॉय दिस मार्केट यानी ये मार्केट इंश्योरेंस सेक्टर जो था वो भी प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर के लिए ओपन हो गया जैसे बैंकिंग सेक्टर में बदलाव आया वैसे ही बदलाव जो था वो इसी तरह से इंश्योरेंस सेक्टर में भी आया लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर का सबसे बड़ा जो चेंज था एक हिस्टोरिक मोमेंट था वो था आईआरडीए एक्ट यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट यानी ये एक्ट आने के बाद जो 1999 में पास हुआ इस एक्ट के बाद हमारे इंश्योरेंस सेक्टर की जो परफॉर्मेंस था उनकी जो एफिशिएंसी था उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उनको काफ़ी इम्प्रोवाइज़ किया गया उनको चेंज किया गया उनको एक लिबरल एटमॉस्फेयर दिया गया ताकि देश शुड वर्क वेरी वेल इन द इकानी स्पेशली इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट वैन अवर इकोनॉमी इज़ इंटीग्रेटेड विथ द वर्ल्ड इकोनॉमी जब हम पूरे वर्ल्ड के साथ जुड़े हैं हमारा स्पैन ज़्यादा होगा हमारा वर्किंग एरिया ज़्यादा होगा तो रिस्क भी ज़्यादा होगा फंड्स भी ज़्यादा होगा तो उनको कैसे कवर करना उनके लिए लीगल फ्रेमवर्क उनके लिए बनाना उनको सपोर्ट करना उसके लिए आईआरडीए एक्ट ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया तो वो इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स जो हैं वो हमने इंश्योरेंस सेक्टर में डिस्कस भी किए हैं लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ़ दो तीन लाइन में बताना कि किस तरह से इंश्योरेंस सेक्टर है उसने भी वाइडर अपना रोल जो है वो प्ले किया और सबसे ज़्यादा जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट को पास करके उन्होंने प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व किया ताकि हमारी इकनॉमी में एक हेल्दी कंपटीशन बढ़े मेन क्या होता है आपकी इकनॉमी में एफिशिएंसी बढ़े प्रोडक्टिविटी बढ़े ट्रांसपेरेंसी बढ़े प्रॉफिट मार्जिन बढ़े रिस्क कम हो ये हमको चाहिए और यही सब बदलाव यही सब रिफॉर्म्स जो था इट वाज सपोर्टेड एंड हेल्प्ड बाय द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ओके फ्रेंड्स नाउ लास्ट पार्ट था कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स ना कैपिटल मार्केट की जब हम बात करते हैं तो कैपिटल मार्केट आपको मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ फंड्स में सपोर्ट करता है तो इसके लिए हम क्या कहते हैं मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स जो आप रेस कर सकते हो थ्रू डेप्ट और थ्रू इक्विटी यानी आप बोरो कर सकते हो ओके okay? वो बोरोइंग बोरोइंग जो कैपेसिटी है बोरोइंग फंड्स जो है वो आइदर थ्रू डेप्ट यानी आपने पब्लिक डेप्ट लिया होगा इट मे भी इंटरनल और एक्सटर्नल या थ्रू इक्विटी मार्केट आपने रेज किया होगा यानी कैपिटल मार्केट आपको मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फंडिंग एंड यानि बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ फंड्स में सपोर्ट करता है हेल्प करता है अब इसमें भी बदलाव लाना बहुत ज़रूरी था अब इसके बदलाव की शुरुआत तो 1988 से ही शुरू हो गई क्योंकि कैपिटल मार्केट में सबसे हिस्टोरिक जो मोमेंट आया वो ये था कि 1988 में सेबी को उन्होंने सेटअप किया था यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लेकिन 1992 में जब सी को कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू को उन्होंने एबॉलिश किया और उसके बाद सेबी का रोल जो था वो बहुत इफ़ेक्टिव हो गया बहुत ही जो है वो प्रोमिनेंट हो गया यानी उसके बाद कैपिटल मार्केट का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं यानी उनको सिस्टमेटिकली चलाना उनके हर एक प्रोसेस को ऑब्जर्व करना मॉनिटर करना परमिशन देना ऑल दोज थिंग्स वर, यानी दिस बिकेम अ वेरी स्टेचुटरी बॉडी तो इसका रोल जो है इट इज़ अनबिलीवेबल हद से ज़्यादा है वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट तो कैपिटल मार्केट का जो बैकबोन है इट इज़ द सेबी वो सेबी है जिसने पूरे कैपिटल मार्केट को एक बहुत ही स्ट्रेंदन पोजिशन में जो है वो खड़ा किया हुआ है सो so, ये कौन कौन से चेंजेस आए तो हम पहले पहले बात कर रहे हैं सेबी की तो सेबी जो था ये एक स्टेचुटरी बॉडी है जो इफ़ेक्टिवली काम कर रही है 1992 से आफ्टर एबोलिशन ऑफ सीसीआई कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू इसका मेन काम ये था कि पूरे मार्केट को एक सिस्टमेटिकली चलाना यानी जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं मर्चेंट बैंक्स हैं या जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सिस्टमैटिकली चलाना एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के साथ चलाना यानी जितने भी हमारे रिसोर्सेस हैं उनको प्रॉपरली मोबालाइज करना नॉट ओनली विद इन द इकोनॉमी बट विद इन द वर्ल्ड इकनॉमी लेकिन उनका मेन सिस्टम जो है मोस्टली जब हम सेबी की बात करते हैं तो सेबी में उनकी मेन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फंड शुड बी ऑप्टिमम लेवल पे यूटिलाइज्ड हो विथ मिनिमम कॉस्ट और उनकी जो मेन वर्किंग है इट शुड बी प्रॉपरली डिस्क्लोज़ किस तरह से काम कर रहे हैं कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किस वे से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये सब जो चीज़ें हैं वो सेबी का एक मेन रोल रहता है बिकॉज़ दे आर वर्किंग एज अ वेरी एक्टिव बॉडी जो एक मर्चेंट बैंक्स के ऊपर उनका पूरा रेगुलेट करना जितने भी आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उन्हें मैन मैनेज करना म्यूचुअल फंड्स मार्केट में कैसे सर्कुलेट एंड मोबिलाइज हो रहे हैं उनको कंट्रोल करना तो ये पूरा काम किसका था सेबी तो पहला पहला स्टेप आया सेबी का यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्चुअली आया 1988 में लेकिन इफेक्टिवली वर्क उसका चालू हुआ 1992 से देन उसके बाद हमने देखा कि जितने भी हमारे स्टॉक मार्केट्स हैं जैसे जैसे उनके ब्रांचेस बढ़े तो उनके ब्रांचेस में किस तरह से वर्किंग हो रहा है उस वर्किंग को मॉनिटर करना ऑब्जर्व करना सुपरवाइज़ करना कंट्रोल करना डायरेक्ट करना ये सब काम किसका है सेबी का है दैट इज़ वाई आई राइटली सेड कि सेबी जो है इट इज़ द बैकबोन ऑफ कैपिटल मार्केट ये कैपिटल मार्केट का बैकबोन है ना उसके बाद जो है फर्स्ट फर्स्ट उन्होंने इस पूरे कैपिटल मार्केट में जो पहला एक चेंजेस लाया दैट इज़ सेबी सेकेंड उन्होंने लाया प्राइमरी मार्केट में रिफॉर्म्स यानी प्राइमरी मार्केट में उन्होंने इस तरह से रूल्स को चेंज किया कि जब भी आप अपने फंड्स को रेस कर रहे हो तो वो फंड्स को जब आप रेस कर रहे हो तो आप उस समय ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो कि किस तरह से फंक्शन आप करोगे हाउ टू रेज द फंड फंड कैसे रेज करोगे हाउ टू यूटिलाइज दैट फंड इन वॉट डायरेक्शन इट विल बी डाइवर्टेड तो हर चीज में ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशेंसी इस शुड बी मेंटेन इसके लिए प्राइमरी मार्केट में भी रिफॉर्म लाया गया यानी फॉर्म्स विल रेज द फंड थ्रू द प्राइमरी मार्केट जब वो प्राइमरी मार्केट से जा रहे हैं तो चाहे वो बुक बिल्डिंग हो चाहे प्रोस्पेक्ट से जा रहे हो राइट right इशू से जा रहे हो अंडर राइटिंग के थ्रू जा रहे हो वेयर वॉट एवर में भी यू हैव टू डिस्कलोज द क्लियर इंफॉर्मेशन आपको क्लियरली इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी यानी इन्वेस्टर्स को क्लियर इन्फॉर्मेशन देना उन्हें मिसगाइड नहीं करना है आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन अगर आप नहीं देते हो तो पेनल्टी के लिए सेबी भी आपके ऊपर बैठा है तो आपको क्लियरली इन्फॉर्मेशन देनी नॉट ओनली प्राइमरी मार्केट लेकिन उसके साथ साथ सेकेंडरी मार्केट को भी उन्होंने जो है वो उसमें काफ़ी रिफॉर्म्स लाए हैं जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड डी ट्रेडिंग नाओ आपने शुरू से पढ़ा है कि आजकल मोस्टली जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग होती है वो ऑनलाइन होती है यानी आपको एक सेपरेट स्पेशल अकाउंट दैट इज़ डी अकाउंट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं डी अकाउंट हम डी अकाउंट ओपन करते हैं और उसके थ्रू हम लोग सब ट्रेडिंग करते हैं और आजकल तो हम घर बैठे बैठे मोबाइल के थ्रू भी पूरी ट्रेडिंग हम कर सकते हैं विदाउट अपॉइंटिंग अ ब्रोकर तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी इकनॉमी में इजी किया है कैसे विथ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज तो ये भी बदलाव जो है वो हमारी इकनॉमी में लाया गया कि ऑनलाइन ट्रेडिंग होगा इससे क्या होगा कॉस्ट कम होगी देन आपका टाइम भी सेव होगा और प्लस रिस्क भी कम होगी क्योंकि इन्वेस्टर को आप सब इंफॉर्मेशन दे रहे हो आ इधर आप प्राइमरी मार्केट में डील रहे हो या सेकेंडरी मार्केट आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर दी जाएगी इसके लिए बार बार आपको दिया जाता है कि रीड द डॉक्यूमेंट बिफोर यू इन्वेस्टिंग इन्वेस्ट करने से पहले आप डॉक्यूमेंट सिस्टमेटिकली रीड करो प्रॉपरली रीड करो केयरफुली देखो तो वो सब उसमें दिया गया रहेगा ओनली द थिंगज़ दैर दैट इन्वेस्टर हैज टू टेक केयर वाइल इन्वेस्टिंग द फंड्स इन डिफरेंट प्रपोजल्स और प्रोजेक्ट्स तो ये जो प्राइमरी मार्केट है या सेकेंडरी मार्केट है जब भी डील करते हैं तो हमेशा उनके ऊपर कोई ना कोई सुपरवाइज अथॉरिटी रहती है जो उनको मॉनिटर करती रहती है कि वेदर दे आर डिस्क्लोजिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर्स और नॉट ओके अच्छा नेक्स्ट है दैट इज़ फोर्थ जो स्टेप इसमें लिया गया दैट इज़ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एन यानी ये जो नेशनल स्टॉक यू नो दैट कि हमारी इकोनॉमी में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो दिल्ली में सेटअप किया गया Now, ये जो है वो 1994 में जो है वो सेटअप किया गया इसने हेल्प किया हमारे प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट की जो वर्किंग है उसकी इफ़िशेंसी को बढ़ाया ट्रांसपेरेंसी बढ़ाया और इन्वेस्टर्स जो हैं स्पेशली सेकेंडरी मार्केट उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आने के बाद बहुत मिला तो ये मार्केट जो था वो 94 में एक लाया गया क्योंकि 91 के पॉलिसी के बाद ये सबसे बड़ा स्टेप सेबी ने उठाया कि एक बहुत बड़ा एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होना चाहिए जो सेकेंडरी मार्केट के वर्किंग को क्लियरली दिखाए उसकी एफिशिएंसी बढ़ाए उसके फंड्स की मोबिलिटी को बढ़ाए उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए तो उसके लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को हमें उन्होंने सेटअप किया इन 1994 में देन उसके बाद फिफ्थ स्टेप लिया गया इन द कैपिटल मार्केट दैट इज रोलिंग सेटलमेंट ना फिर से सेबी ने एक नया सिस्टम निकाला फ्रॉम जनवरी टू थाउजेंड यानि जनवरी टू थाउजेंड से हमने देखा कि ये जो स्टेप था रोलिंग क्योंकि जब हम ट्रेड कर रहे हैं डील कर रहे हैं तो वो जो रोलिंग हो रही है पूरी जो हमारे सर्कल्स जो मूमेंट हो रहे हैं वो जितना फास्ट हो जितनी ट्रांजेक्शन्स इन्वेस्टर्स को जल्दी कम्प्लीट होके मिले उतना ईजी यानि उतना एक सिस्टमेटिकली उनका रिस्क कम करेगा तो रोलिंग सेटलमेंट को फ्रॉम 2000 जनवरी से सेबी ने सेटअप किया इंट्रोड्यूस किया हेयर ट्रेडिंग साइकिल हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू अ डे मतलब सपोज अगर आज हम किसी भी पर्टिकुलर किसी भी ट्रांजेक्शन के साथ डील कर रहे हैं ओके व्हाट एवर मे बी यानी कोई भी हम ट्रांजेक्शन के साथ डील कर रहे हैं तो विद इन वन और टू डे यानी अगर हम लोग वर्किंग डे में माने तो जिस दिन हम उन्होंने हमने ट्रांजैक्शन किया सपोज़ टुडे हमने ट्रांजैक्शन किया तो विद इन टू वर्किंग डेज दैट ट्रांजैक्शन शुड बी ओवर कंप्लीट करना है वो साइकिल यानी ट्रेड साइकिल आपका कंप्लीट होना चाहिए तो वो रेल जो आपका रोलिंग सेटलमेंट है उन्होंने स्टार्ट किया जिससे पहले था टी प्लस थ्री उन्होंने रिड्यूस करके टी प्लस टू कर दिया पहले थ्री डेज था लेकिन उसको रिड्यूस करके टू डेज तक लेके आए तो इस तरह से ट्रेडिंग साइकिल हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ डे एंड ट्रेडर्स हैव टू सेटल विद इन टू डेज ऑफ वर्किंग यानी वन टू डेज जो वर्किंग है उसके अंदर वो ट्रेडिंग साइकिल को कंप्लीट करना है और उनको पूरा इन्फॉर्मेशन दे देना है इन्वेस्टर्स को क्लियरली इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए और ये रोलिंग सेटलमेंट का जो स्कीम था वो सेबी ने स्टार्ट किया फ्रॉम जनवरी 2000 जिसमें उन्होंने रोलिंग सेटलमेंट का जो टाइम ड्यूरेशन था जो पहले टी प्लस था, थ्री था यानी थ्री डेज के अंदर होता था नाउ इट हैज़ बीन रिड्यूस टू अ टू डेज देन डेरीवेटिव ट्रेडिंग अब ये भी हमारा जो डेरीवेटिव ट्रेडिंग था इसको भी उन्होंने हमारे सेबी ने उसको स्टार्ट कर दिया अब जब हम डेरीवेटिवस की बात करते हैं तो वो डेरीवेटिवस क्या रहता है इट इज़ एक प्रोसेस रहता है जिसमें मोस्टली जो है वन या मोर देन टू अदर पार्टीज़ के बीच में कोई भी डेरीवेटिव चाहे वो कमोडिटीज़ हो या गोल्ड हो या सिक्योरिटीज़ हो या गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हो अट्स हो इनको डील किया जाता है जब वो डील किया जाता है तो स्पेशली जब हम बात करते हैं तो वो फोर मार्केट यानी फ्यूचर्स हैं फॉरवर्ड हैं स्वैप में है इसमें हमेशा वो ड इंडेक्स है इसमें डील करते रहते हैं तो वो डेरीवेटिव में डील करते हैं उसमें उन्होंने बदलाव जो है वो सेबिंग लाया जैसे हम फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं कि स्टॉक फ्यूचर है या स्टॉक ऑप्शन है स्टॉक फ्यूचर है या स्टॉक ऑप्शन है या हम सपोज इंडेक्स फ्यूचर है या इंडेक्स ऑप्शन है ऐसे करके वो डेरिवेटिव्स किसी में भी चाहे कमोडिटीज़ में हो गोल्ड में हो या प्राइस में हो इंडेक्स में हो इस तरह के ट्रांजैक्शंस को डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया एक प्रोसेस एक सिस्टमेटिक उन्होंने हर ट्रांजेक्शन को कम्प्लीट एंड फाइनलाइज किया ताकि जितना जल्दी हो सके वो ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो और आपकी उस वर्किंग का ट्रांसपेरेंसी वो हर जगह क्लियरली दिखाते हैं क्योंकि क्या है आपका ऑनलाइन ट्रेडिंग है तो एफिशिएंसी भी बढ़ेगा ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगा तो उन्होंने इस तरह से डेरिवेटिव ट्रेडिंग को भी स्टार्ट कर दिया जिसमें आप कमोडिटी को डील करना चाहो सिक्योरिटीज़ को डील करना चाहो किसी भी का, किसी पर्टिकुलर डेरीवेटिव को कैच करके यू कैन कंप्लीट दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग नेक्स्ट जो आता है सेवेंथ वन दैट इज़ कि इस कैपिटल मार्केट में फिर उन्होंने स्टार्ट किया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अब जब हम कहते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी एफ आई आई एस अब इसको उन्होंने फिर से इसको जो है वो इस कैपिटल मार्केट में सेटअप किया क्यों ताकि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स को सपोर्ट मिले स्पेशली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो आपके मार्केट में सेकेंडरी मार्केट में या प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मालूम है जब वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो बटा नेचुरल उनको कुछ ना कुछ तो सपोर्ट मिलना चाहिए तो वो जो फ़ॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे उनको भी सपोर्ट किया कि आप भी अपना फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ चाहे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो फ़ॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट हो आप कर सकते हो तो ये भी एक रिफॉर्म ये सिस्टमेटिकली सपोर्ट जो है वो एफ को दिया गया देन इस कैपिटल मार्केट में सेपरेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट को भी सेटअप किया गया अब ये जो है जब डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में डील करते हैं गवर्नमेंट जिसको हमने पढ़ा था गोल्ड एजड मार्केट रहता है सेफ़ रहता है लो रिस्क रहता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहती है तो दे कैन रेज़ द कैपिटल तो उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेस्ट कर दिया ताकि गवर्नमेंट भी इजीली अपने प्रोजेक्ट्स को सेटिस्फाई कर पाए ओके okay? ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके प्रॉपरली या रिसोर्स को टोटली अच्छी तरह से हम डाइवर्ट कर पाए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट भी सेपरेटली सेटअप किया गया नेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटीज़ जो है क्लियरिंग कारपोरेशन जो है उसको स्टार्ट किया गया नेशनल सिक्योरिटीज़ क्लियरिंग कॉरपोरेशन कब स्टार्ट किया गया 1996 में ना इस नेशनल सिक्योरिटीज़ क्लियरिंग कॉरपोरेशन का मेन काम ये था कि जो भी फंड्स आपके प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट हो रहे हैं वो प्रॉपर यूटिलाइज हो रहे हैं उसमें रिस्क लेवल मिनिमम है उसका क्लियरली इंफॉर्मेशन जो है वो इन्वेस्टर्स को डिसक्लोज कर रहे हैं यानी दे आर वर्किंग एज अ मॉनिटरिंग अथॉरिटी यानी ये भी जो था दैट इज़ नेशनल सिक्योरिटीज़ क्लियरिंग कॉरपोरेशन जिसको 1996 नाइन्टी सिक्स में सेटअप किया गया इसका भी मेन फंक्शन यही था कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को सपोर्ट करना उनके फंडिंग को प्रॉपरली मोबालाइज करना और रिस्क लेवल को मिनिमम करना नेक्स्ट था लास्ट वन दैट इज़ द लास्ट रिफॉर्म जो इस सेक्टर में कैपिटल मार्केट में लाया गया दैट इज़ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना अब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा सेबी ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं जिसके लिए वो बार बार आपको सोशल मीडिया के थ्रू इन्फॉर्मेशन देती रहती है कि रीड द डॉक्यूमेंट्स आप डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑप्शन जो भी आप एरिया में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पहले आप प्रॉपरली रीड करो जिसके लिए स्पेशली इन अक्टूबर 2001 उन्होंने स्कीम स्टार्ट किया 2001 में अक्टूबर 2001 में उन्होंने स्कीम स्टार्ट किया आई यानी इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड उन्होंने स्टार्ट किया और इससे रिलेटेड 2018 से आई ई पी एफ अथॉरिटीज़ को भी सेटअप किया गया इनका मेन होता है टोटल एडमिनिस्ट्रेशन और इन्वेस्टमेंट कि वो हमेशा सेबी को एक सपोर्टिव हैंड की तरह काम करते हैं यानी सपोज़ कभी ऐसा होता है कि कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड है फ़ंड्स हैं जो सपोज़ किसी ने कलेक्ट नहीं किए हैं कभी कभी ऐसा भी होता है तो वो उनको प्रॉपरली प्रोवाइड करके रखना उनके लिए सेपरेट उनको अवेयरनेस करना उन्हें सपोर्ट करना या सपोज़ कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पे अगर इस तरह का इन्वेस्टर्स जो है कहीं इन्वेस्ट कर रहा है लेकिन उनको पूरी इंफॉर्मेशन देना जैसे हमने देखा था कि बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज भी रहती हैं क्रिजल है केयर है एबर्ड है तो ये सब रेटिंग एजेंसीज़ भी आपको अवेयर करती हैं कि आपको प्रॉपरली वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए दे विल गिव यू द गाइडलाइंस दे विल गिव यू द सपोर्ट, वो आपको सपोर्ट करती हैं तो इस तरह की अवेयरनेस जो है लेकिन अवेयरनेस के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी उनको प्रॉपरली सुपरवाइज़ करना भी तो ये रिफॉर्म चेंजेस जो हैं वो हमारी सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जो है वो भी स्टार्ट किया ताकि इन्वेस्टर जो है वो जब भी कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करे तो वो प्रॉपरली करे और वो एकदम प्रोटेक्टेड रहे उसके फंड्स को प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया जाए क्योंकि वो मॉनिटर करते रहते वो उनको टोटली एडमिनिस्ट्रेट करते रहते हैं कि सपोज़ हमने फ़ंड तो दे दिया एज ए इक्विटी शेयर होल्डर मैंने फ़ंड तो इन्वेस्ट कर दिया बट हाउ दे आर यूटिलाइजिंग तो उनके ऊपर मॉनिटर करने के लिए ये जो इन्वेस्टर्स रहते हैं अथॉरिटीज़ रहते हैं दे ऑलवेज़ सुपरवाइज दें दे विल ऑलवेज़ मॉनिटर दें वो उन्हें मॉनिटर करते रहते हैं कि वो हमारे पब्लिक के कलेक्ट किए हुए फ़ंड को प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर रहे हैं अच्छा अगर वो रॉन्ग यूटिलाइज़ करेंगे तो बट नेचुरल लॉसेस होगा और अगर प्रॉपरली यूटिलाइज़ करेंगे तो हमको एक अच्छा डिविडन मिलेगा अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा और फ्यूचर में जब भी वो न्यू ब्रांचेस ओपन करेंगे नया कैपिटल रेस करेंगे तो पब्लिक का फेथ पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो इन सब रिसोर्सेज की वजह से या इन सब स्टेप्स की वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कैपिटल मार्केट में बढ़ता ही रहता है हम फ्रीली इस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्यों क्योंकि सेबी है वो हमें सपोर्ट कर रही है या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है सपोर्ट कर रहा है या ऑनलाइन है या डी हमारा अकाउंट खुला हुआ है जिसकी वजह से आप प्रॉपरली उसमें डील कर रहे हो तो ये सब रिफॉर्म्स हैं ये सब हमारे चेंजेस हैं बदलाव हैं जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में आए तो ये भी हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा है ये फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म कौन से कौन सी एरिया में पढ़ा हमने फ्रेंड्स थ्री पार्ट्स में नंबर वन हमने देखा बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स जो हैं वो हमने नाइन पॉइंट पढ़ा जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो कोई भी सिक्स पॉइंट सेवन पॉइंट आप उसमें लिख सकते हो नॉट नेसेसरी यू राइट ऑल द पॉइंट सब लिखने की ज़रूरत नहीं कोई भी छः सात पॉइंट आप उसमें लिख सकते हो जिसमें हमने रिड्यूस सी आर आर कहा रिड्यूस एस एल आर कहा देन डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट जो हमने बैंकिंग सेक्टर ऑन मनी सेक्टर में भी पढ़ा दैन उसमें प्रोडेंशियल नॉर्म्स प्रोडेंशियल यानी सिस्टमेटिक नॉर्म्स यानी एक लीगल फ्रेमवर्क जो है वो भी हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ने स्पेशली बैंकिंग सेक्टर को विद द हेल्प ऑफ आरबीआई क्योंकि आरबीआई हमेशा मॉनेटरी पॉलिसीज़ को रेगुलेट करती रहती है तो उन्हें प्रोडेंशियल नॉर्म्स ताकि विथ रेस्पेक्ट टू तो द इनकम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हर बैंक की असेट्स कैसे हैं किस तरह से वो क्लासीफाई कर रहे हैं कहाँ कहाँ वो क्रेडिट फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कहाँ कहाँ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कंप्लीट उनका जो भी रिकॉर्ड है असीट्स है उनका डिटेल में रिकॉर्ड उनके पास यानी आर आरबीआई के पास होना चाहिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जो है वो हर बैंकिंग सेक्टर को मेंटेन रखना है असिस्ट द कैपिटल मार्केट सभी बैंक्स को कैपिटल मार्केट से भी कनेक्ट करके रिलेट करके रखना है ताकि अगर वो भी चाहें तो उनको भी कैपिटल मार्केट की सब फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहें एक्सपांड करना चाहें फॉर एक्सपानशन फॉर मॉडर्नाइजेशन तो वो भी कैपिटल मार्केट की सपोर्ट ले सकती हैं यह हमने देखा कि उनको फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन मिलना चाहिए वो भी चाहें तो अपनी न्यू ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं नॉट ओनली विद इन द कंट्री बट आउटसाइड द कंट्री वो भी कर सकते हैं देन स्पेशल रिकवरी ट्रिब्यूनल्स उनको सेटअप करके दिया ताकि उनके अगर बैट लोन्स भी होते हैं तो वो उनको रिकवर करने में लीगल असिस्टेंस सपोर्ट उनको मिले तो आउट ऑफ नाइन पॉइंट्स यू कैन राइट एनी सिक्स टू सेवन पॉइंट्स देन कैपिटल मार्केट के रिफॉर्म्स जो हमने लगभग टेन पॉइंट्स किए उसमें से भी यू हैव टू राइट एनी सिक्स टू सेवन नॉट नेसेसरी यू राइट ऑल द टेन पॉइंट्स तो जो आपको लर्न हो रहा है जैसे सेबी हर एक के दिमाग में पहला स्टेप ये आता है क्योंकि जब भी बदलाव आया चेंजेस आया तो कैपिटल मार्केट में सबसे पहला स्टेप आया सेबी क्योंकि 1992 के बाद जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड था इसने पूरे कैपिटल मार्केट को फुल्ली उनके वर्किंग को इफेक्टिवली जो है वो चलाना एडमिनिस्ट्रेट करना सुपरवाइज़ करना पूरे म्यूचुअल फंड को सिस्टमेटिकली मोबिलाइज करना मर्चेंट बैंक्स को कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेट करना तो पूरा कैपिटल मार्केट को सिस्टमेटिकली और रेगुलेट करना ये पूरा सेबी का काम था फिर आपको प्राइमरी मार्केट में रिफॉर्म्स लाए गए ऑनलाइन ट्रेडिंग और डी अकाउंट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जो 1994 में हमारे पास आ गए रोलिंग सेटलमेंट को टी प्लस टू विद इन टू डेज वर्किंग डेज में आपको रोलिंग जो है जहां पर भी आपने इन्वेस्ट किया है वेदर द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो उन सब सिक्योरिटीज़ को टू डेज़ के अंदर आपको सेटल करके मिलना चाहिए यानी इन्वेस्टर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं देना है देन डिवेटर में ट्रेडिंग उन्होंने स्टार्ट करना वो हमारा स्टार्ट हो गया तो ट्रेडिंग इन इक्विटी डेरेवेटर्स वो भी स्टार्ट किया गया जिसमें स्टॉक फ्यूचर स्टॉक ऑप्शन इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शन जैसे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने फॉरेन के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को चाहे आप पोर्टफोलियो में करो या आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में करो या सपोज टेक्नोलॉजी में करो आपको पूरी से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और सपोर्ट दी जाएगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट को सेपरेटली सेटअप किया गया ताकि वो भी सिस्टमेटिकली रेगुलेशन के साथ अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सेबी को हम सिस्टमेटिकली मूव कर पाएं। नेशनल सिक्योरिटी क्लियरेंस कॉरपोरेशन जो था वो 1996 में रखा ओपन किया गया ताकि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट दोनों की रेगुलेशन को प्रॉपरली जो है एडमिनिस्ट्रेट और कंट्रोल किया जाए ताकि जो रिस्क लेवल है वो रिड्यूस हो ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को मेंटेन किया जाए और लास्ट इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना इट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैपिटल मार्केट क्योंकि कैपिटल मार्केट में जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वी आर टोटली अवे फ्रॉम देयर मैनेजमेंट तो हम तो सिर्फ फंडिंग दे रहे हैं लेकिन उन फंड को वो कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं उनके ऊपर जो सुपरवाइज अथॉरिटी है वो है सेबी और उसके साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट एडुकेशन प्रोटेक्टिंग फंड एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ हैं आजकल वो उनको टोटली जो है वो लुकआउट कर रही हैं उनको प्रॉपरली कंट्रोल कर रही हैं सुपरवाइज कर रही हैं और अगर उसमें कुछ रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है तो दे विल टेक द हेल्प ऑफ सेबी तो इस तरह से ये सब बदलाव आता है एंड फाइनली हमने देखा इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म जिसमें आई एक्ट यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1991 इसने तो हिस्टोरिक चेंजेस जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर में ला दिया तो इस तरह से फाइनेंशियल सेक्टर को भी बदला गया तो फ्रेंड्स जिस तरह से मैंने ये पूरे हर पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस किया इन द सेम वे आई हैव प्रोवाइडेड इन द नोट्स जो आप इजिली वहाँ से कवर कर सकते हो लेकिन नॉट नेसेसरी कि आप सब डिटेल में पढ़ो जब एग्जाम में आपको लिखना हो तो इन सब पॉइंट्स में से आई हैव प्रोवाइडेड द मैक्सिमम पॉइंट्स लेकिन उसमें से आप कोई भी सिक्स सेवन पॉइंट्स आपको लिखना है क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि हम कभी कभी एक दो पॉइंट भूल भी जाते हैं तो भी कोई टेंशन नहीं दस पॉइंट है आपको लिखना है छः सात पॉइंट जो आप ईजिली कवर कर सकते हैं ओके okay, फ्रेंड्स So, yes, friends, if you like this video, do share. And if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.